जरूरी नहीं जो हमें सही लगता है वही सही हो। इसलिए जिंदगी के कुछ निर्णय बड़ों से पूछ कर लेनी चाहिए। आज मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करो, बल्कि मैं चाहूंगा आज मैं आपको जो पॉइंट समझाने वाला हूं आप इसे समझो। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं आपने भी जिंदगी में ये प्रॉब्लम फेस किया होगा। जिंदगी को बेहतर बनाने की चिंता, जिंदगी में क्या करना चाहिए, कौन सा रास्ता मुझे मंजिल तक ले जाएगी, कामयाबी दिलाएगी, आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आए होंगे या फिर अभी भी आते होंगे। डाउट होता है खुद पर, जो कर रहे हैं पता नहीं इससे कामयाबी मिलेगी या नहीं, या फिर इसे यही छोड़ देते हैं, कुछ नया स्टार्ट करते हैं। ऐसा ही एक घटना मैं आपको बता रहा हूं। 2 दिन पहले मुझे एक लड़की का मैसेज आया जो बीटेक फर्स्ट ईयर में है। उसका कहना है कि वो स्टडी में उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए अब वो डांसिंग में अपना करियर बनाना चाहती है, बट उसे डांस का कोई नॉलेज नहीं है। सोशल मीडिया न्यूज में डांसर्स के नेम, फेम, फैन फॉलोइंग देखकर अब डांस सीखना चाहती है। फिर मैंने उन्हें समझाया कि अगर आप सच में इसमें अपना करियर बनाना चाहती हो तो आपको कम से कम 8-10 साल देने पड़ेंगे पूरे जुनून के साथ, जो कि आसान नहीं है। घर वालों को भी मनाना है, और सबसे जरूरी बात, इसकी क्या गारंटी है आप इसे बीच में नहीं छोड़ दोगे स्टडी की तरह। और भी उन्हें बहुत कुछ समझाया और फाइनली कहा कि आप स्टडी को अधूरा मत छोड़ो, और अगर आप चाहते हो डांस सीखना तो आप साइड से भी सीख सकते हो। कब तक भटकते फिरोगे इस रास्ते उस रास्ते, बल्कि ठान लो जो करना है उसमें अपना बेस्ट देना है। आज कुछ स्टार्ट किया, कल कुछ स्टार्ट किया और सबको अधूरा छोड़ दोगे तो आखिर में कुछ नहीं बचेगा। आसान कुछ भी नहीं है, मुश्किलें हर फील्ड में आएगी। अगर आपके अंदर जुनून है, मेहनत करने का पागलपन है, तो आप जिस भी फील्ड में जाओगे उस फील्ड का खिलाड़ी बन जाओगे। इसलिए कोई भी निर्णय जोश में आकर, भावनाओं में बहकर मत लो, बल्कि अच्छे से सोच लो, क्योंकि आपका एक गलत निर्णय आपके करियर को तबाह कर सकता है। तो ये थी आज की छोटी सी सीख जो मैं आपको देना चाहता था। हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो एक गलत डिसीजन लेने से बच जाए। धन्यवाद।